हेलो एवरीवन, हम आपके लिए लेकर आए हैं 9 मैजिकल सीरीज में अमेजिंग टेक्निक्स टू इम्प्रूव मेमोरी पावर। हमारे मस्तिष्क की ताकत क्या है, हमारी क्षमताएं क्या हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। कई सारे लोग मिलते हैं, स्टूडेंट्स मिलते हैं, बिजनेस पर्सन्स मिलते हैं और बार बार वो ये प्रश्न पूछते हैं कि हमारी क्षमताएँ क्या हैं। अगर आप देख रहे होंगे आज की डेट में तो मेट्रो सिटीज़ में खासकर काउंसलिंग सेंटर्स ओपन हो गए हैं जहां पर मैं स्टूडेंट्स को बताया जाता है कि तुम्हारी क्षमताएं क्या हैं, तुम क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। एक्चुअली क्षमता शब्द जो है ये ब्रेन के संबंध में गलत है, क्योंकि आपकी क्षमताएं तो वो हैं जो आप सोचते हैं, आप जो सोचते हैं वो आप पा सकते हैं। तो शायद क्षमताओं पर बात ना करके रुचियों पर बात करना ज़रूरी है कि आपकी रुचि क्या है, क्योंकि क्षमताएँ कितनी हैं वो असीमित हैं, स्काई इज़ द लिमिट। हमारे मस्तिष्क की क्षमता क्या है, कई बार स्टूडेंट्स ऐसा पूछते हैं, बहुत सारे मेल आते हैं कि ब्रेन की पावर कितनी है, कितनी ये स्टोरेज कर सकता है, या हमको चीज़ें याद नहीं होती हैं तो याद कैसे करेंगे, या हम बहुत समय तक फोकस नहीं कर पाते हैं तो फोकस कैसे करेंगे। इन सारे प्रश्नों का उत्तर मैं आज आपको देना चाह रहा हूँ इस सेगमेंट में। यहाँ हम देखेंगे कि ब्रेन की कैपेसिटी क्या है, हम समझेंगे कि कौन से टेक्निक्स हैं जिससे मेमोरी और कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाया जा सकता है। तो पहले तो आप ये जान लें कि हमारे ब्रेन के पास में एक पावर है जिसे हम कहते हैं ऑटो कंट्रोल एस। मतलब जैसे हम कंप्यूटर में कुछ टाइप करते हैं, टाइप करके कंट्रोल एस करना पड़ता है सेव करने के लिए, लेकिन ब्रेन को ये नहीं करना पड़ता। हम जो कुछ भी सुनते हैं, जो कुछ भी हम महसूस करते हैं, हमेशा कहते हैं वॉट एवर कैन बी परसीव्ड बाय योर सेंसेस इट इज ऑटोमेटिकली सेव्ड इन योर कंप्यूटर सिस्टम दैट इज नोन एज मेमोरी। आप जो कुछ भी अपने इंद्रियों से महसूस करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप छूते हैं, आप सूंघते हैं, आप देखते हैं, आप सुनते हैं, वो सब आपको इमीडिएट सेव हो जाता है, आपकी याददाश्त में चला जाता है। फिर कैसे कभी किसी को याद आता है या नहीं आता, या हम ऐसा कहें कि कौन बुद्धिमान है कौन मूर्ख है, लोगों की अपनी अपनी क्षमताएं कैसे डिसाइड होती हैं, कुछ लोग कुछ बातों को याद करके बोल लेते हैं, कुछ नहीं बोल पाते, इन सबको समझने के लिए जानना होगा वो टेक्निक्स कौन सी हैं कि हम चीज़ों को रिकॉल कर पाएं। मैंने बताया याददाश्त तो हम सबकी सेम है, हमारे मस्तिष्क की क्षमता है मिलियंस ऑफ मिलियंस जेटाबाइट, मतलब असीमित स्टोरेज कैपेसिटी हमारे मस्तिष्क के पास में है। फिर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि मस्तिष्क कई चीजों का निर्माण करता है। कहा गया है कि विचार से पदार्थ की उत्पत्ति होती है, एक बहुत अच्छा थॉट है ये, और ऐसा है भी। आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि हिप्नोसिज्म सम्मोहन एक विद्या है, जहां किसी व्यक्ति को कुछ बता दिया जाए कि ऐसा है, जैसे आपको लिटा कर ये कहा जाए कि आप पहाड़ों के बीच में हैं और आपका मस्तिष्क सोचने लगता है कि आप पहाड़ों के बीच में हैं, वहां तक ठीक है, लेकिन अगर ये कहा जाए कि आप जिस जगह हैं वहां बर्फ जम रही है और आपको ठंड लगना शुरू हो जाए, ये आपके मस्तिष्क की क्षमता है। या आपके हाथ में एक फूल दे दिया जाए और कहा जाए कि ये अंगारा है और आपको वो गर्म महसूस हो, यहां तक ठीक है, लेकिन आपके हाथ में फफोले निकल आए, ये आपके मस्तिष्क की क्षमता है। अभी ऐसा हुआ, मैं कहीं पढ़ रहा था, अमेरिका में एक रिसर्च किया गया, वहां जिस व्यक्ति को डेथ पनिशमेंट दिया गया था उसको ये कहा गया कि आप अपना शरीर हमें दान कर दें, डोनेट कर दें, इससे होगा ये कि आपके फैमिली को जीवन भर के लिए हम पेंशन देंगे या उसका भरण पोषण करेंगे, मेंटेन करेंगे। जब वो अपनी बॉडी डोनेट करता है तो वैज्ञानिकों साइंटिस्ट की एक टीम उससे मिलती है, वो कहती है कि हम आपको एक जहरीले सांप से डसवाएंगे और हम ये परीक्षण करना चाहते हैं कि उसका जहर आपके शरीर में कैसे फैलता है और उसके सिम्टम्स क्या हैं। ये व्यक्ति तैयार हो जाता है, उसको बताया जाता है कि जो जहर है वो 30 सेकंड में आपके शरीर में फैलेगा और 31वें सेकंड में आपकी मृत्यु हो जाएगी। उसको सारे सिस्टम बताया जाता है कि जहर किस तरह से फैलता है, नर्वस सिस्टम को कैसे हिट करता है, उसको सारी बातें उसके दिमाग में बिठाई जाती है। और एक दिन तय होता है जब उसे डेथ पनिशमेंट दिया जाएगा उस जहरीले सांप से कटवा कर। उस दिन सुबह उसको नहलाया जाता है, उसको नाश्ता करवाया जाता है और एक जगह बिठा दिया जाता है, उसकी आंखें ढक दी जाती हैं, उसके सिर को कपड़े से ढक दिया जाता है और उस व्यक्ति को एक चूहे से कटवाया जाता है। अब आप देखिए दिमाग की शक्ति, 30 सेकंड के भीतर उसके शरीर में वो जहर फैलता है, 31वें सेकंड में उसकी मृत्यु हो जाती है। यहां तक तो ठीक है, हम समझते हैं डर के मर गया होगा वो, हम ये सोच सकते हैं, लेकिन जब उसका ब्लड सैंपल लिया गया तो उसके शरीर में उसी सांप का जहर पाया गया जिसका जिक्र वैज्ञानिक कर रहे थे। ये क्या है, ये है हमारे मस्तिष्क की ताकत, ब्रेन पावर। और मस्तिष्क की ताकत ऐसी है कि हम जो कुछ भी सोचते हैं वो रियलिटी में कन्वर्ट हो सकता है। इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नाम से जाना जाता है, इसे अवचेतन मन की शक्ति कहा जाता है और बहुत सारी बातें निकल कर आती हैं। तो एक कठोपनिषद 108 उपनिषदों में से एक उपनिषद है और उसमें यम और नचिकेता आपस में बात कर रहे हैं और नचिकेता यम से परम ज्ञान की मांग करता है। और मैंने इसमें पढ़ा कि यम कह रहा है कि वो परमात्मा कहाँ है,
नचिकेता प्रश्न पूछता है कि वो परमात्मा कहाँ है। यम उसे उत्तर देते हैं और कहते हैं, वो अंगुष्ठ मात्र परमात्मा तुम्हारे हृदय के पास बैठा हुआ है, तुम्हारे भीतर। मनोवैज्ञानिक उस परमात्मा को अवचेतन मन कहते हैं। हम जो कुछ भी सोचते हैं, हम जो कुछ भी बताते हैं अपने अवचेतन मन को, उससे जो हम समझाते हैं, उससे जो हम मांग करते हैं, वो हमारे रियलिटी में बदल जाता है। ये पावर है हमारे मस्तिष्क की। आइए जानते हैं हमारे मस्तिष्क के बारे में कुछ अमेजिंग, आश्चर्यचकित कर देने वाली अद्भुत बातें। जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे हैं, द ह्यूमन ब्रेन इटसेल्फ डजंट हैव पेन रिसेप्टर्स एंड देयरफॉर कैन नॉट फील एनी पेन। हमारे मस्तिष्क के पास में दर्द को महसूस करने वाली इंद्रियां नहीं हैं, और यही कारण है कि मस्तिष्क को स्वयं में कोई दर्द नहीं होता, मेकिंग इट पॉसिबल फॉर डॉक्टर्स टू परफॉर्म ब्रेन सर्जरी ऑन पेशेंट्स हु आर अवेक। ये संभव है डॉक्टर्स के लिए, ऐसा किया भी गया है डॉक्टर्स के द्वारा, कि मस्तिष्क की सर्जरी करते हैं वो, और जबकि व्यक्ति जाग रहा हो, व्यक्ति गिटार बजा रहा हो, बातें कर रहा हो, और दिमाग का ऑपरेशन किया जा सकता है। आप देख रहे हैं स्लाइड में हमारे मस्तिष्क के बारे में अमेजिंग फैक्ट्स। ब्लड वेसल्स, जो हमारे मस्तिष्क में खून का प्रवाह करने वाली धमनियां हैं, उनकी लंबाई है 100,000 miles। आपको जानकर ये आश्चर्य होगा, ये कितनी लंबाई है। एक मस्तिष्क में, एक व्यक्ति के मस्तिष्क में इतनी लंबी रक्तवाहिनियां होती हैं कि पूरी पृथ्वी को 4 बार लपेटा जा सकता है। आप सोचे कितना पावर हमारे मस्तिष्क में डाल दिया है ईश्वर ने। The average person is believed to have around 70,000 thoughts a day. एक सामान्य व्यक्ति के दिमाग में हर रोज लगभग 70,000 विचार आते हैं। Your brain uses 20% of the total oxygen and blood in your body. हमारे शरीर में जितना ऑक्सीजन हम लेते हैं या जितना खून है, उसका लगभग 20% ऑक्सीजन और खून हमारा मस्तिष्क उपयोग में लेकर आता है। While awake, your brain generates between 10 and 23 watts of power, or which is enough energy to power a light bulb. जागते समय हमारा दिमाग 10 से लेकर 23 वॉट्स तक का पावर जनरेट करता है, जो कि एक लाइट बल्ब को जलाने के लिए सफिशियंट है। Why do we have different subjects in school periods? आपने सोचा है, जब आप कहीं पढ़ने जाते हैं, स्कूल में, कॉलेज में, किसी कोचिंग में, तो 45 मिनट्स या 1 आवर का एक लेक्चर होता है, फिर ब्रेक होता है। ऐसा क्यों होता, और फिर ब्रेक के बाद दूसरे सब्जेक्ट क्यों होते हैं? ऐसा क्यों नहीं होता कि मैथमेटिक्स का ही 5 घंटे का एक पीरियड हो जाए, या इंग्लिश के ही 4 टॉपिक्स आज कंप्लीट हो जाएं? उसका कारण है कि हमारा ब्रेन एक बार में मैक्सिमम 90 मिनट्स तक कॉन्सेंट्रेट कर सकता है। 90 मिनट्स मीन्स 1.5 घंटे। उसके बाद हमारा फोकस खत्म हो जाता है और कॉन्सेंट्रेशन खत्म हो जाता है। इसीलिए मैं एक टॉपिक और लेकर आऊंगा कॉन्सेंट्रेशन पर, जिसे मैं 90-10 थियरी कहता हूँ, जिस पर हम समझेंगे कि कॉन्सेंट्रेशन कैसे किया जाएगा। हम जान रहे हैं मस्तिष्क के बारे में अमेजिंग फैक्ट्स। योर ब्रेन स्टॉप्ड ग्रोइंग एट एज 18। 18 साल की उम्र में ही हमारा दिमाग आगे बढ़ना, डेवलप करना, ग्रो करना बंद कर देता है। नर्वस सिस्टम कैन नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन रियलिटी एंड इमेजिनेशन एंड विल रिएक्ट एज थॉट इट वर रियली हैपनिंग। हमारा मस्तिष्क रियलिटी और इमेजिनेशन के बीच में कोई फर्क नहीं कर पाता है। कई बार आपने देखा होगा कि जब आप स्वप्नावस्था में होते हैं, इन ड्रीमिंग सिचुएशन और पोजिशन, जो कुछ वहां घट रहा होता है सपने में, आपको सब रियलिटी लग रही होती है। अगर आप शेर से आपका सामना सपने में हो जाता है, तो आप पसीने पसीने हो जाते हैं। ये तो हो रहा था वर्चुअल वर्ल्ड में, सपने में, लेकिन आपका शरीर पसीना पसीना कैसे हो गया? क्योंकि आपका मस्तिष्क डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा कि क्या सच है और क्या झूठ है। उसे इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क समझ में नहीं आता। द बेस्ट एथलीट्स इन द वर्ल्ड नो द सीक्रेट एंड प्रैक्टिस विजुअलाइजेशन टेक्निक्स। यही कारण है कि दुनिया के बेहतरीन एथलीट्स, एथलीट्स ही नहीं, ऐसे लोग जो बहुत सफलतम हैं, इस प्रक्रिया का, इस इमेजिनेशन पावर का, इस विजुअलाइजेशन पावर का उपयोग करते हैं। जब कहीं वो कुछ काम करने जाते हैं, तो उसके पहले ही एक सकारात्मक तस्वीर बना लेते हैं कि ऐसा ऐसा घटेगा। क्या हम ऐसा कर रहे हैं? मैं जब लोगों से मिलता हूं, तो देखता हूं कि जैसे एग्जाम आने वाला है, तो एग्जाम के पहले ही वो एक निगेटिव थॉट प्रोसेस दिमाग में बना लेते हैं। जैसे उनको सपना आना शुरू होता है कि वो एग्जाम में लेट हो गए हैं, या एग्जाम लिखते लिखते ही पेन की रिफिल खत्म हो गई है, या एग्जाम में उनको एंटर नहीं करने दिया गया है, या रिजल्ट निगेटिव आ गया है। हम निगेटिव विजुअलाइजेशन का उपयोग कर रहे हैं। इसको चेंज करना होगा पॉजिटिव विजुअलाइजेशन में। आप चीजों को विजुअलाइज करें कि जीवन में आप सफल हो रहे हैं, आपको सफलता मिल रही है, आप आगे बढ़ रहे हैं, आप ग्रो कर रहे हैं। और ये है मेंटल टेक्निक, क्योंकि आपका दिमाग इसे रियलिटी समझेगा और ऐसा ही कर देगा। आपके सामने सफलता को लेकर वो आएगा, उन सकारात्मक बातों को वो पदार्थ में परिवर्तित कर देगा, प्रत्येक उस विचार को। आप देख रहे हैं एक स्लाइड, इसमें क्वेश्चन है
कि क्या आप अपने आप को गुदगुदी कर सकते हैं. कैन यू टिकल योर सेल्फ, करके देखिए. आप जब अपने आप को गुदगुदी करेंगे तो आपको उसका एहसास नहीं होगा. क्यों नहीं होगा, आप आंसर देख रहे हैं स्लाइड में. द रीजन यू कैन नॉट टिकल योर सेल्फ इज बिकॉज योर सेरेबलम, सेरेबलम इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन, नोज इट्स यू डूइंग द टिकलिंग एंड सेंड्स अ मैसेज टू द रेस्ट ऑफ योर ब्रेन टू इग्नोर द सेंसेशन एंड रेफ्यूजेस टू लाफ. आपके दिमाग में, मस्तिष्क में एक पार्ट है जिसका नाम है सेरेबलम. बहुत बुद्धिमान मस्तिष्क है आपका. ये आपके पूरे शरीर में एक मैसेज भेज देता है कि ये आप स्वयं हैं जो अपने आप को छू रहे हैं या टिकल कर रहे हैं, और आपका मस्तिष्क उस सेंसेशन को अवॉइड कर देता है और नहीं हंसता है, लॉफ दूर हो जाता है. आप स्लाइड देख रहे हैं एमिगडाला के बारे में. इस पिक्चर में आप मस्तिष्क के एक भाग को देख रहे हैं जिसका नाम है एमिगडाला. अ स्मॉल एरिया इन द ब्रेन कॉल्ड एमिगडाला इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एबिलिटी टू रीड समवंस एल्सेस फेस फॉर क्लू टू हाउ दे आर फीलिंग. जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो उसका चेहरा देखकर आपको समझ में आ जाता है कि वो आपको ठीक से सुन रहा है, आपकी बात से खुश है, नाराज है, या वो कैसा महसूस कर रहा है. इसके लिए जिम्मेदार है आपके मस्तिष्क का एक भाग, वो है एमिगडाला, जो आपको बताता है सामने वाले की फेस को पढ़ने की तकनीक. सो फ्रेंड्स, अभी आपने समझा अपनी मस्तिष्क की कार्यक्षमता और प्रणाली के बारे में. आपका मस्तिष्क सर्वशक्तिमान है, पावरफुल है. आइए जानते हैं कि एक बुद्धिमान और कम बुद्धिमान या समझदार और कम समझदार में क्या अंतर है. आपने समझा होगा कि कुछ लोग जल्दी चीज़ों को याद कर लेते हैं, कुछ याद नहीं कर पाते. नहीं, ऐसा नहीं है. हम सबके पास बराबर क्षमताएं हैं, हम चीज़ों को एक समान याद कर पाते हैं. अंतर सिर्फ इस बात का हो जाता है कि हम समय पर उसे रिकॉल कर पा रहे हैं, याद कर पा रहे हैं या नहीं. मैं आपको ऐसी टेक्निक्स बता रहा हूं जो आपकी याददाश्त को बढ़ाने वाला है और आपकी क्षमताओं को कई गुना बढ़ा देगा, कॉन्सेंट्रेशन को और मेमोरी को. आप समय पर चीजों को याद कर पाएंगे. आइए देखते हैं इन 9 मैजिकल टेक्निक्स को. कहा भी गया है कि वॉट एवर योर माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव कैन अचीव. आपका मस्तिष्क जो कुछ भी सोचता है, धारण कर सकता है, उसे रियलिटी में बदल सकता है. तो आज ही अपनी सोच को सकारात्मक करें और जो कुछ आप अचीव करना चाहते हैं उसे अपने पास लिख कर रख लें, क्योंकि आपका मस्तिष्क उसे रियलिटी में बदल देगा. सो लेट्स एंटर इनटू द सब्जेक्ट. 9 प्रूवन टेक्निक्स टू इम्प्रूव योर ब्रेन पावर. द फर्स्ट टेक्निक इज अ प्रॉपर डाइट. स्टार्टिंग द डे आउट विद अ गुड ब्रेकफास्ट हैज बीन प्रूवन टू सप्लाई एनर्जी टू द ब्रेन एंड बॉडी फॉर द होल डे. व्हेन यू स्किप ब्रेकफास्ट यू आर मिसिंग आउट ऑन अ पावरफुल एज बोथ फिजिकली एंड मेंटली. साइंटिफिकली ये देखा गया है कि जो लोग सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं उनको शरीर में जो ऊर्जा मिलती है वो ब्रेन पावर को इम्प्रूव करने और शारीरिक कार्य क्षमता को बढ़ाने में भी सहयोग करते हैं. अगर आपने सुबह का ब्रेकफास्ट मिस किया है, मतलब आप अपनी दिनचर्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा मिस कर रहे हैं, जिससे आपकी मस्तिष्क की कार्यक्षमता तो प्रभावित होगी ही, आपकी शारीरिक कार्यक्षमता भी प्रभावित होगी. ड्रिंक अ सर्विंग ऑफ प्योर फ्रूट जूस. फ्रूट जूस कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स दैट रिविटलाइज एंड रिफ्रेश द ब्रेन. Juices to drink are pomegranate, blueberry, and cranberry, as they deliver more focus and energy. Research में ये पाया गया है कि सुबह सुबह fruit juice का पीना भी आपके मस्तिष्क के लिए लाभदायक है. Pomegranate, अनार का जूस, जो कि सर्वसुलभ है, आप इससे दिन की शुरुआत कर सकते हैं. ये आपके मस्तिष्क की कार्यक्षमता को बढ़ाएगा. Students who drink some caffeine before an exam typically have higher scores than those who don't. This is because caffeine stimulates activity in the brain, which produces better focus and thinking ability. Research में ये देखा गया है कि वो students जो exam के पहले coffee shot लेते हैं, caffeine पीते हैं, उनका focus ज़्यादा अच्छा होता है और वो ज़्यादा अच्छे से perform कर पाते हैं. Caffeine coffee में पाया जाने वाला एक पदार्थ है जो आपके focus और agility को बढ़ाता है. आप एग्जाम के पहले एक कॉफी शॉट का मतलब दूध में थोड़ा सा कॉफी डालें और बिना चीनी के या कम चीनी के साथ उसे शेक करें और पी जाएं. ये आपके फोकस को बढ़ाएगा. आप एग्जाम के टाइम पर, एग्जाम की तैयारी करने के लिए और एग्जाम के पहले इसका उपयोग कर सकते हैं. ध्यान रखने की जरूरत सिर्फ ये है कि इसकी ज्यादा मात्रा आपको स्लीपलेसनेस, अनिद्रा की ओर ले जाती है और मोटापा भी बढ़ा सकता है. तो उसकी मात्रा को ध्यान रखें और आपको फोकस करने में ये मदद करेगा. The second important technique is playing brain games. Play games that challenge and stimulate your mind, such as picture puzzles, strategy games, crossword puzzles, card games, deduction games, visualization puzzles, and optical illusions. Playing Sudoku was found to improve brain power, particularly in old people.
मस्तिष्क की कार्य क्षमता या मेमोरी पावर को बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने मस्तिष्क जो कि एक मसल है उसकी भी एक्सरसाइज करें। इसका सबसे बढ़िया तरीका है ब्रेन गेम्स खेलना, जैसे पहेलियां सॉल्व करना, पजल सॉल्व करना, रीजनिंग के प्रश्नों को हल करना या सुडोकू जैसे गेम खेलना। ये गेम्स आपके मस्तिष्क की कार्य क्षमता को बढ़ाते हैं। आप एक काम और कर सकते हैं, अपने एंड्रॉयड मोबाइल पर ही ब्रेन गेम्स डाउनलोड कर लें, चेस डाउनलोड कर लें। शतरंज भी एक ब्रेन गेम ही है जहां आपके दिमाग को सोचना पड़ता है, और हम कई बार ऐसे कार्यों को करने से चूक जाते हैं जो कि हमको सोचने पर मजबूर कर दें। ऐसे गेम्स खेलें और मस्तिष्क की कार्य क्षमता को बढ़ाएं। द थर्ड टेक्निक इज रीडिंग। रीडिंग स्टिमुलेट्स द ब्रेन एज इट एक्टिवेट्स योर इमेजिनेशन, हेल्प्स विद मेमोरी रिटेंशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्पेशली इफ यू आर रीडिंग अ मिस्ट्री। सेल्फ हेल्प बुक्स स्टिमुलेट योर ब्रेन बाय हेल्पिंग यू टू थिंक फॉर योर सेल्फ एज वेल एज फाइंड सॉल्यूशन इन योर माइंड। पढ़ना मस्तिष्क की कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए बहुत आवश्यक है। जैसे अभी आप YouTube चैनल देख रहे हैं, ये तो ठीक है, यहाँ पर मैं आपको चीज़ें समझाई जा रही हैं, लेकिन जब आप पढ़ते हैं तो पढ़कर आप खुद समझने की कोशिश करते हैं, तो महत्वपूर्ण है पढ़ना भी। तो पढ़ें, जैसे मिस्ट्री की बुक्स पढ़ें, मिस्टीरियस बुक्स, जहाँ पर मैं आपको सोचने पर मजबूर किया जाता है कि कौन मर्डरर होगा या कौन ऑफेंडर है या ये क्या हो गया। तो सस्पेंस वाली फिल्म या सस्पेंस वाली किताबें पढ़ें, जैसे कि शर्लॉक होम्स की मूवीज़ आप देखें तो वहाँ आपको सोचने पर मजबूर होना पड़ता है, या शर्लॉक होम्स की किताबें पढ़ें, या टिनटिन डाइजेस्ट कॉमिक्स आती है वो पढ़ें जहाँ पर मैं मिस्ट्री सॉल्विंग के बारे में चीज़ें बताई जाती हैं। हम एक सेगमेंट में रीडिंग के ऊपर पूरा का पूरा एक टॉपिक लेकर आएंगे जहाँ कुछ हम इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में बताएंगे जो आपको पढ़नी चाहिए। सेल्फ हेल्प बुक्स, मोटिवेशनल किताबें भी महत्वपूर्ण हैं जो आपके ब्रेन पावर को, मस्तिष्क को सकारात्मक सोचने के लिए मजबूर करती हैं। पढ़ें और मस्तिष्क की कार्य क्षमता को बढ़ाएं। द फोर्थ टेक्निक इज एक्सरसाइजिंग, कसरत का करना। एक्सरसाइजिंग हेल्प्स सर्कुलेट ब्लड दैट कैरीज ऑक्सीजन टू योर ब्रेन। एक्सरसाइज ओवर अ लॉन्ग पीरियड इज प्रूवन टू इंक्रीज ब्रेन पावर एंड इवन क्रिएट न्यू न्यूरॉन्स। डीप ब्रीदिंग फॉर एज लिटिल एज 10 मिनट्स डेली डिलीवर्स मोर ऑक्सीजन टू द ब्रेन एंड इम्प्रूव्स इट्स फंक्शनैलिटी। Walking allows you to clear your mind and thoughts. Not only is it good exercise for your body, walking gives your brain a chance to wander freely, clearing it of any troublesome thoughts. A new powerful 3-minute exercise improves a memory and brain health. कसरत का किया जाना आपके मस्तिष्क की क्षमता को बढ़ाने वाला है। हम आपके लिए एक सेगमेंट लेकर आने वाले हैं 90-10 पावरफुल थियरी टू इम्प्रूव योर कॉन्सेंट्रेशन। ये 90-10 थियरी क्या है, आप चैनल देखते रहें तो आपको पता चलेगा कि कॉन्सेंट्रेशन कैसे बढ़ाना है और कैसे इस थियरी को इम्प्लीमेंट करना है। बहुत आसान सा एक्सरसाइज जो आपको 10 मिनट करना होगा रोज, जिससे आपकी मेमोरी पावर इंक्रीज होगी। द फिफ्थ टेक्निक इज मेडिटेशन। ड्यूरिंग मेडिटेशन पीपल टिपिकली रेस्ट इन अ क्वाइट लोकेशन एंड फोकस देयर माइंड ऑन अ पर्टिकुलर थॉट और एक्टिविटी। मेडिटेशन इंक्रीजेज IQ, रिलीव्स स्ट्रेस, promotes a higher level of brain functioning, stimulates the prefrontal cortex, the area of the brain which is responsible for advanced thinking, ability and performance, alleviates physical problems like controlling pain and symptoms of chronic disease. ध्यान करना मस्तिष्क की कार्य क्षमता को बढ़ाने वाला है। ये proven भी है scientifically कि ध्यान करना, meditation करना आपकी मस्तिष्क की कार्य प्रणाली को बढ़ा देगा। मेडिटेशन पर भी हम एक सेगमेंट अलग से लेकर आएंगे जहां 10 से 15 मिनट रोज ध्यान कैसे किया जाता है इस पर हम बात करेंगे। एक आसान सा मेडिटेशन मैं आपको बता दूं अभी जो आप कर सकते हैं, शांत बैठ जाएं सुखासन में या पद्मासन में, जिस भी मुद्रा में आप बैठना चाहते हैं। आप कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं एक क्वाइट शांत लोकेशन में, और अपनी श्वास पर ध्यान रखें। आपकी सांस आ रही है, आपकी सांस जा रही है, कोशिश करें, बार बार आप भूल जाएंगे कि सांस आ रही है और जा रही है, वापस से उसको फोकस करें। जब आप ये करते रहेंगे तो धीरे धीरे आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा और ये कॉन्सेंट्रेशन ही एक दिन ध्यान में परिवर्तित हो जाएगा। पूरा का पूरा एक सेगमेंट हम जरूर समझेंगे, लेकिन अभी ये समझें कि मेडिटेशन एक ऐसी क्रिया है जो आपके मस्तिष्क की कार्य क्षमता को बढ़ा देगा। मेडिटेशन का एक पार्ट है प्राणायाम, और मेमोरी पावर को इम्प्रूव करने वाले प्राणायामों में सबसे बढ़िया प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। आप YouTube पर ही भ्रामरी प्राणायाम टाइप करें तो आपको बहुत सारे वीडियोज दिख जाएंगे। रोज सुबह उठ करके नहाने के बाद भ्रामरी प्राणायाम करें।
एक मिनट करें, दो मिनट करें, पाँच मिनट करें, जितनी आपकी क्षमता है उतना करें, और आप देखेंगे आश्चर्यजनक रूप से महीने दो महीने में ही आपकी मेमोरी पावर इंक्रीज हो जाएगी, याददाश्त बढ़ जाएगी और आप चीज़ों को आसानी से याद करने लगेंगे। मैं अपने स्टूडेंट्स को ये करवाता रहता हूँ और मुझे सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं। मुझे याद आता है जब मैं क्लास 11th में था तो मेरा फोकस बहुत आउट होता था, मींस क्लास में बैठता था, हमारे एक प्रोफेसर हुआ करते थे मैथमेटिक्स के, वो क्लास में आते थे और मैथमेटिक्स पढ़ाना स्टार्ट करते थे। जब वो शुरू करते थे तब तक तो मैं क्लास में होता था, और जब वापस वो आंसर पे आते थे तब वापस मैं क्लास में आता था। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है, जब आप पढ़ रहे हों आउट ऑफ फोकस हो जाते हैं, जब कुछ देख रहे हों तो आउट ऑफ फोकस हो जाते हैं, या कोई लेक्चर सुन रहे हों तो आउट ऑफ फोकस हो जाते हैं? अगर ऐसा है तो आपको ज़रूरत है इस प्राणायाम की, क्योंकि इस प्राणायाम से ही मैंने अपना कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया है, फोकस बढ़ाया है, लर्निंग कैपेसिटी बढ़ाई है और मेमोरी पावर को इंक्रीज किया है। कोशिश करके देखें, आपको जरूर सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। द सेवंथ टेक्निक इज राइटिंग एंड पेंटिंग। देखिए, अभी जब आप मेमोरी बनाते हैं, जैसे आपने एक लेक्चर सुना, मैं जो बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं, क्या आप इसे वापस नोट डाउन भी कर रहे हैं? अगर आंसर है नहीं, तो आप मेमोरी नहीं बना रहे हैं 100%। हमारी मेमोरी कैसे बनती है? एक है सुनकर 25%, एक है देखकर 25%, एक है लिखकर 25% और एक है बोलकर 25%। इन चार तरीके से 100% मेमोरी बनती है। लेकिन हम क्या करते हैं, क्लास में हमने लेक्चर सुन लिया, दैट्स इट। किसी के नोट्स की फोटोकॉपी करवा ली, या नई टेक्नोलॉजी है, फोटो खींच करके अपने पीडीएफ फाइल में रख लिया, नहीं, आपकी मेमोरी बन रही है 25%। अगर आपने लिखा तो मेमोरी बनेगी 50%। फिर आपने वापस उसे बोला, बोलना कहाँ जरूरी है, इसलिए हम कहते हैं ग्रुप डिस्कशन इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट, आप उसे वापस से रिपीट भी करें तो बनेगा 25%। तो सुनना, बोलना, लिखना और देखना, इन चार तरीके से हमारी मेमोरी बनती है। तो लिखना एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, नोट्स बनाएं, लिखें। अगर आप कोई पेंटिंग करते हैं तो पेंटिंग करना एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, पेंटिंग से भी मेमोरी इंक्रीज होती है, ऐसा देखने में आया है। तो जब आप नोट्स बनाते हैं तो नोट्स भी कई तरीके से बनाएं, बबल डायग्राम से बनाएं, फ्लो चार्ट से बनाएं, और कैसे नोट्स बनाया जाता है इस पर भी हम चर्चा करेंगे, हाउ टू मेक पावरफुल नोट्स, इस पर भी हम एक सेगमेंट लेकर आते हैं, बहुत जल्दी ही आपको एक वीडियो देखने को मिलेगा। जो आठवीं टेक्निक मेमोरी पावर इंक्रीज करने की है वो आप सबको पसंद आएगी, क्योंकि इसका संबंध है स्लीप एंड रेस्ट से, सोना। आपको ऐसा बताया जाता है कि कम सोना है, कम घंटे सो, ज्यादा मत सो, ज्यादा देर पढ़ो, नहीं, आपको गलत जानकारी दी जा रही है। हमारी बॉडी को 8 घंटे चाहिए रेस्ट के लिए। अगर आपने जो याद किया है आप चाहते हैं कि वो आपकी परमानेंट मेमोरी में चले जाए, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में न रहे, तो आपको आराम करना होगा, नींद पूरी लेनी होगी, और पढ़ाई के दौरान भी आपको बॉडी को रिलैक्स में लेकर जाना पड़ेगा। कई बार ऐसा तो होता है कि हमारी बॉडी रिलैक्स में चली जाती है लेकिन माइंड रिलैक्स पोजीशन में नहीं जाता। इंपॉर्टेंट है बॉडी के साथ साथ माइंड भी रिलैक्स पोजीशन में जाए। ऐसा नहीं कि हम लेट गए हैं बिस्तर में और रेसिंग थॉट्स चल रहे हैं हमारे दिमाग में, नहीं, ये हम आराम की दशा में नहीं है। ऐसा देखा गया है कि मैक्सिमम लोग जो 8 घंटे बिस्तर में सोते हैं सिर्फ 2 या 3 घंटे की ही डीप स्लीप लेते हैं। ये डीप स्लीप वो अवस्था है जहां हमारे दिमाग में विचार, सपने, ये कुछ भी नहीं होते, और वही 3 घंटे हमको रिलैक्स मोड में ले जाते हैं। इंपॉर्टेंट है मेमोरी पावर को इंक्रीज करने के लिए कि पर्याप्त नींद लें, जरूरत से ज्यादा ना जरूरत से कम, सम्यक नींद, सम्यक आराम बहुत महत्वपूर्ण है। थॉटलेस पोजिशन में कैसे जाएं, स्ट्रेस को मैनेज कैसे करें और माइंड को रिलैक्स मोड पे कैसे ले जाएं, इस पर एक टॉपिक पर मेरा लेक्चर ऑलरेडी अवेलेबल है इसी चैनल पर, स्ट्रेस मैनेजमेंट के नाम से, आपने देखा ही होगा, नहीं देखा हो तो वापस से देखें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ब्रेन पावर को इम्प्रूव करने के लिए 9th but not least द टेक्निक इज लर्न अ फॉरेन लैंग्वेज। एक विदेशी भाषा सीखें। ये फॉरेन लैंग्वेज क्या है? वो भाषा जो आपकी मातृभाषा नहीं है। फॉरेन लैंग्वेज का मतलब ये नहीं कि आप फ्रेंच सीख रहे हैं या जर्मन सीख रहे हैं, आप चाहे तो सीख सकते हैं। जैसे आपको हिंदी आती है तो आप इंग्लिश सीखना शुरू करें, आपको हिंदी इंग्लिश आती है तो संस्कृत सीखना शुरू करें, आपको हिंदी इंग्लिश संस्कृत आती है तो आप मराठी, भोजपुरी, गुजराती, आप कोई भी एक भाषा सीखना शुरू करें। आप जर्मन सीख सकते हैं, फ्रेंच सीख सकते हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि संस्कृत एक लैंग्वेज है जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी रिसर्च में पाया है कि ये भाषा साइंटिफिक है और साथ ही इंटरनेट और प्रोग्रामिंग के लिए सबसे महत्वपूर्ण एसेंशियल लैंग्वेज है। संस्कृत सीखें, संस्कृत आपको टंग ट्विस्ट देता है, संस्कृत आपके ब्रेन पावर को इम्प्रूव करेगा। सो फ्रेंड्स, अभी आपने देखा कि हमारे ब्रेन की पावर कितनी है, ब्रेन काम कैसे करता है और वो कौन सी तकनीक है जिसके माध्यम से आप अपने मेमोरी पावर और कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपके जीवन को बदलने वाला होगा और आपको मेमोरी पावर को इंक्रीज करने और अपनी क्षमताओं को बढ़ाने में मदद करेगा।
हम ये सोशल कॉज कर रहे हैं यूट्यूब चैनल पर, आप अपना कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं एक ही तरीके से, थम्स अप करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि और लोगों को ऐसे वीडियोज़ और नॉलेज मिलती रहे, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत सारा गार्बेज है। अच्छी चीज़ें लोगों तक पहुँचे, ये आपकी जिम्मेदारी। थैंक यू।